बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं जी C14 के अंदर, और ये वो सेक्टर है कि मरगला रोड की बनने की वजह से बहुत ज़्यादा हाइप थी। फैसल हिल्स और B17 को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन इस टाइम जो सब जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो नज़रें हैं वो सी के सेक्टर्स में हैं जी। सी के ये सेक्टर मरगला रोड के बिल्कुल एडजेसेंट और बिल्कुल ये पैरेलल चल रहे हैं। C14 के अंदर इस टाइम मैं मौजूद हूँ और बड़ी तेज़ी के साथ ये डेवलपमेंट इसके अंदर हो रही है। जिस जगह पर आप देखें मशीनरी लगी हुई है, ये C14 का सेक्टर है। उस साइड से अगर आप बात करें, वो आपकी मल्टी गार्डन और फैसल हिल वाली साइड है, टेक्सला वाली साइड, तो वो आगे C15 का सेक्टर है जी, और उससे आगे C16 C16 है। तो इस टाइम पे मैं जो खड़ा हूँ वो C14 पे खड़ा हूँ, और हम अपने क्लाइंट के लिए एक प्लाट इधर चेक करने आए हैं। तो बड़े मैसिव लेवल पे इधर डेवलपमेंट हो रही है, और इनसे हमारी मैनेजमेंट पे से थोड़ी बातचीत भी हुई है। तो C14 के हवाले से उन्होंने बोला है कि 3-4 महीने के अंदर अंदर ये डेवलपमेंट हम कंप्लीट कर लेंगे और प्लाट इधर से आपके प्लाट निकलेंगे। तो ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खास करके इन्वेस्टर्स इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लोग हमारे से पूछते हैं। तो सी सेक्टर्स के अंदर जो भी ये तीनों सेक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा मुझे पोटेंशियल नज़र आता है। अगर मरगला रोड की बात की जाए तो ये सामने मरगला रोड का एरिया है, और साथ ही मरगला रोड गुजर रही है, इसके साथ ये C14 का सेक्टर है, और C15 और 16 का सामने जो मरगला हिल्स का व्यू है उसकी वजह से जो मेन ब्यूटी है इस एरिए की वो इसकी वजह से है जी। और उस साइड पे आपका D12 का सेक्टर है, D12 के सेक्टर की वजह से ही इन सेक्टर्स के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम खुद अपने क्लाइंट के लिए एक प्लाट चेक करने आए थे, तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी मैसिव लेवल पे डेवलपमेंट होगी। और थोड़ा पीछे चेक करें, ये मेन डबल रोड है, ये भी कट चुकी है, और इसके साथ ये इनका मेन आप कह लें कि सिविक सेंटर, ये मेन कमर्शियल का एरिया है। तो बड़े अच्छे लेवल पर इधर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी हो रही है। थोड़ा आगे आके ये भी चेक कराएं, जिधर तक आप देखेंगे खास करके C14 के अंदर ये बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं, ये रोडे वगैरह काट रहे हैं। और दूसरा टाइप ऑफ लैंड ये बड़ी अच्छी है, C14 की टाइप ऑफ लैंड बड़ी अच्छी है, हाइटेड जगह है, ये ऑलमोस्ट पहाड़ियां हैं। और इनके अंदर जो प्लाट निकलेंगे, एक तो मरगला फेसिंग की वजह से जो प्लाट होंगे उनका बहुत अच्छा व्यू होगा, दूसरा ये टाइप ऑफ लैंड बड़ी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। इस टाइम पे C14 की आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा समराइज मैं कर देता हूँ कि ये C14 का जो सेक्टर है इसके अंदर सिर्फ कनाल के प्लाट उन्होंने रखे हुए हैं, सिर्फ बड़े प्लाट रखे हैं, और बड़ा ये इसको एक कह लेंगे प्रीमियम सेक्टर बनाने जा रहे हैं C14 को। इसके अलावा C15 की और C16 की बात करें तो उसके अंदर छोटे प्लाट है। तो इस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है C14 के अंदर या सी के किसी सेक्टर के भी अंदर, वो बहुत मुझे उसमें पोटेंशियल नजर आता है जी। D12 के रेट्स के साथ इनको अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा रेट्स का डिफरेंस है, और D12 हार्डली इधर से मेरे ख्याल है 2 से 3 मिनट के फासले पर है। तो बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, हम खुद इधर लोगों को इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, अपने एक इन्वेस्टर के लिए हम प्लाट इधर देखने आए हैं। तो आपके लिए ये अच्छा मौका है अगर आप इस्लामाबाद के CDA सेक्टर के अंदर अपनी सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा C14, C15 और C16। इसके बारे में हम वक्तन फ़क्तन डिटेल वीडियो बनाएंगे जी हर सेक्टर के बारे में, ये जस्ट एक ओवरव्यू था। तो C14 के अंदर ये बाकी सी सेक्टर्स के अंदर अगर आपको प्लाट्स की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप हमारे से दिए गए नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।